नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी के जनवरी 16 2021 के जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस पेपर में आए हैं, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस का इस वीडियो में हम एनालिसिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आया था, महात्मा गांधी जी भारत कब आए थे साउथ अफ्रीका से। तो महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे, 21 साल स्टे करने के बाद साउथ अफ्रीका में। अब जब ये वापस आए थे तो ये अपनी पत्नी कस्तूरबा के साथ वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को। और महात्मा गांधी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने आने के बाद में सबसे पहला जो महात्मा गांधी का आंदोलन था, वो महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन किया था, बड़ा आंदोलन जो किया था। तो सबसे बड़ा आंदोलन जो महात्मा गांधी ने किया था, वो सबसे बड़ा आंदोलन आपका किया था नॉन वायलेंस मूवमेंट जो किया था। आफ्टर दैट अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हेडक्वार्टर कहाँ हैं। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हेडक्वार्टर हेग में है। अब ये जो हेग में है, इसे क्या कहते हैं, इस हेडक्वार्टर को वर्ल्ड कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। किसे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को। इसका जो मेन, ये क्या है, मेन जुडिशियल ऑर्गन है हमारा, किसका, यूएन का। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1945 में, चार्टर लेके आया गया था यूनाइटेड नेशंस का, और इसने अपनी वर्किंग शुरू की थी अप्रैल 1946 में। अब ये जो हेग है, ये कहाँ है, ये आपका नीदरलैंड में है आपका हेग। आफ्टर दैट देखते हैं कि जो स्लोगन है इंकलाब जिंदाबाद का, ये किसने दिया था। तो इंकलाब जिंदाबाद का स्लोगन भगत सिंह ने दिया था, ये इनका बहुत फेमस स्लोगन था। आफ्टर दैट देखते हैं रैंक ऑफ इंडिया क्या है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 2020 के अकॉर्डिंग। तो 63rd रैंक है भारत की 190 देशों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो था, फादर कौन है ग्रीन रिवॉल्यूशन के इंडिया में। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर इंडिया में एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। 1960 में एम एस स्वामीनाथन ने प्लांट जेनेटिक्स को डिजाइन किया था, और इसके बाद भारत में बहुत क्या है, चेंज आया किसमें, फूड में। और फूड में चेंज आने के बाद भारत क्या बन गया, फूड में सेल्फ सफिशियंट बन गया। इससे पहले बहुत ज़्यादा भुखमरी रहती थी भारत में। आगे देखते हैं हम, इनपुट डिवाइस कौन सी है। इनपुट, ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो इनपुट डिवाइस कौन सी होती है कंप्यूटर में आपकी, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, कैमरा, जॉयस्टिक और माइक्रोफोन। आफ्टर दैट देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, चंद्रयान फर्स्ट को कब लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान फर्स्ट को 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। ये फर्स्ट मून मिशन था भारत का, और इसे सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया था श्रीहरिकोटा से। ये मून से 100 किलोमीटर की जो हाइट है, उस हाइट पर क्या है, ऑर्बिट कर रहा था। और क्या, किसके लिए ये लॉन्च किया गया था, ये फोटो जियोलॉजिकल मैपिंग करने के लिए, और मिनरोलॉजिकल के लिए, और केमिकल सरफेस कैसी है वहाँ की, इसके लिए इसे लॉन्च किया गया था। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एसेंशियल पार्ट क्या है कंप्यूटर को रन करने के लिए। तो एसेंशियल पार्ट जो है कंप्यूटर का, वो क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे सीपीयू भी कहते हैं। अब ये जो सीपीयू है, इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात का फॉर्मेशन कब हुआ था। तो इसका फॉर्मेशन 1 मई 1960 को हुआ था। इसका फॉर्मेशन बॉम्बे जो प्रेसिडेंसी थी उससे हुआ था, बॉम्बे रिओर्गनाइजेशन एक्ट के थ्रू, और गुजरात इसके बाद 15वां स्टेट बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जय जवान जय किसान, ये स्लोगन किसने दिया। तो जय जवान जय किसान का स्लोगन जो है आपके सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में दिया था। ये कब दिया था, जब वो एक सभा को संबोधित कर रहे थे रामलीला मैदान में दिल्ली में। आफ्टर दैट प्राइम मिनिस्टर भारत के 1977 में कौन बने थे। तो 1977 में भारत के प्राइम मिनिस्टर मुरारजी देसाई बने थे। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनाइटेड नेशंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। यूनाइटेड नेशंस डे 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। एक चीज और, ये जो मुरारजी देसाई थे आपके, ये फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे। आफ्टर दैट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ जायद 2019 किसे दिया गया था। तो जायद मेडल 2019 का पीएम नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था।
इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? अगला क्वेश्चन आपका, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे.जे. थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन पे क्या है? नेगेटिव चार्ज होता है। वैल्यू क्या होती है इसकी? 1.6 × 10⁻¹⁹। आफ्टर दैट देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ रिवॉल्व करते हैं, तो ये न्यूक्लियस से बाहर रिवॉल्व करते हैं। इनकी संख्या प्रोटॉन की संख्या के क्या होती है? बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी जो कंट्री है वो बाउंड्री शेयर नहीं करती है? तो जो कंट्रीज बाउंड्री शेयर करती हैं उन्हें देखते हैं, तो पहले पाकिस्तान करता है बाउंड्री शेयर, चाइना करता है, नेपाल करता है, भूटान करता है, और उसके बाद आपका कौन करता है? अफगानिस्तान करता है और म्यांमार करता है। ये कंट्री इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। आफ्टर दैट देखते हैं मलेरिया का किससे होता है, कॉज क्या है मलेरिया का? तो मलेरिया होता है आपका प्लास्मोडियम पैरासाइट्स के कारण मलेरिया होता है, और ये पीपल्स में फैलता है जो फीमेल मॉस्किटो होती है एनोफिल्स उसके काटने से। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ मैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।